अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम 2024 में 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच होगा। इस बारे में पीएम मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा लगभग 1000 गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय को देखकर देश भर के हर गांव में होर्डिंग लगाई जाएंगी और हर मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये भी तय हुआ है कि पर कोटे में बनने वाले अन्य मंदिरों की मूर्तियों के चयन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अगस्त में जयपुर जाएंगे। इस बारे में चंपत राय ने कहा है कि हमने पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा है। प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन का पत्र हमने भेज दिया है। ये लिखा है कि आप आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान का कैसे सम्मान बढ़ेगा, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाल लीजिए। वो तारीख क्या होगी जिस तारीख में आपने ये तो वही बताएंगे। पत्र में जो निवेदन है किस तारीख को लेकर किस तरह से निवेदन किया है? जो मैं आपको बोलता हूँ 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य कभी। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या का दृश्य क्या होगा उसके लिए भी आज 3 घंटे की मीटिंग हुई और ये बैठक अप्रैल से हो रही है। जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या का दृश्य क्या होगा, इस पर अनुभवी कार्यकर्ता इनकी आज लगभग 3 घंटे की बैठक हुई। वैसे ये बैठक अप्रैल से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन हर 15 दिन में बैठते हैं, आज भी 3 घंटे के लिए बैठे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर अछूता ना रहे, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा ना रहे जहां 2-4 होर्डिंग ना लगे। अच्छा, क्या हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान का कोई मंदिर अछूता ना रहे, हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा ना रहे जहां 2-4 होर्डिंग ना लगे। होल्डिंग का मैटर हम बनाकर दुनिया को देंगे। आ नहीं सकते तो अपने मोहल्ले में होल्डिंग तो लगा लो। अब कई बार भाई ऐसा महापुरुषों ने कहा है, जो दरिद्री लोग होते हैं उनमें विचार पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, ऐसे दरिद्र भी हो सकते हैं, बोल बहुत रहे कर कुछ ना पाए। आगे ये भी बताया है कि गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर 2 सिंह, 2 गज, 1 हनुमान जी और 1 गरुड़ जी बनेंगे। तो ये एक आम राय बन गई है कि जिस पत्थर का मंदिर है उसी पत्थर के सिंह, गज, हनुमान जी और गरुड़ जी बने। इनको प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा सीढ़ियों के साथ साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।